नाम शहबाज खान, मेरे वालद साहब मोहम्मद शरीफ खान। असी इस टाइम जोड़ा चक नंबर 47 गाहबे खतराव तहसील समुंदरी जिला फैसलाबाद रहायश पजीर। पाकिस्तान जो बनया उदो उस टाइम साढ़ा इंडिया के जोड़ा पिंड असलापुर सी पटियाले दे विच, ते जदों माइग्रेशन हुई तो साढ़ा जोड़े कोई बंदा उतों नहीं हिलिया। तो जदों जत्थे पे आ साढ़े दादे होनी चाचे होनी बाहर काम करते सी। छोटा जो चाचा प्रीतम खान जोड़ा हूँ इस टाइम इंडिया वो उत्थे सी। इत्थे हुण पाओ च रहना मैं। पहला साडा पिछला पिंड हैगा असलापुर, तहसील पायल, जिला पटियाला। सन 47 च असीं इधर रह गए। इधर मेरा एक होर भरा सी बड़ा जोड़ा मर गया। 8 भरा से एक तो पहला छोटा हुंदा ही मर गया सी। एक जब अटैक च मर गया, एक उधर अगे बड़ा फिर बाद च मरिया। 3 उधर से 2 ही इधर से। जो जत्था पिया तो पिंड दे विच हमला होया, उन्होंने वढ़ टोक की। जोड़े बाहर बंदे सी दादा होनी चाचे होनी वो उतों अपनी जान बचा के जोड़े दौड़ गए। जो उन्होंने पिंड देखा कि दादी ने तो उन्हें बच्चे ने छोटे लैके प्रीतम खान वो भी खेतां नूं दौड़ पई कि बाहर जाके उन्होंने अपने बंदियां दे नाल चले जाते। जो देखा कि बंदा उत्थे है कोई नहीं सी, तो उन्होंने कहा प्रीतम खान ने कहा कि तुसी जड़ा है ना अपना खेतों छुप जाओ। तो आप जड़ा कुएं छलांग मारती और उत्थे लटक दी। जो बंदे चले गए, जत्था चला गया, तो उन्होंने चाचा जी प्रीतम खान जोड़े फसलों चो बाहर आए। उन्होंने दादी ने आवाज़ दी कि हुण जोड़े बंदे चले गए तो तुसी बाहर आ जाओ। बड़ी मुश्किल दे नाल बाहर आईयां, आके तो हाले बाहर ही खड़ियां हुई। तो दोबारे फिर बंदे जोड़े वापस जो मुड़े, उन्होंने देखा कि औरत खड़ी है। तो दादी ने फिर जड़ा छलांग जी कुएं च लगाती। इस तरह 4-3-4 वारी जी उन्होंने कुएं च छलांग लगाई तो बाहर निकली। और बुढ़ी जान सी तो वो इतना बर्दाश्त ना कर सकी। 5वीं 6वीं जो अंदर ही रह गई। तो चाचा जी प्रीतम खान जोड़े बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आवाज़ा मारते रहे कि माँ जी बाहर आ जाओ, माँ जी बाहर आओ। बंदे चले गए। तो उन्होंने किसी ने ना सुनी। छोटा बच्चा जोड़ा मासूम रोंदा रहा। 2-3 दिन कदे फसलां चले जाना, कदे आके कुएं दे उत्ते आवाज़ां देंदे रहना और रोंदे रहना कि माँ जी आ जाओ बाहर। लेकिन मासूम बच्चा सी, उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं। फिर वो 4-5 दिन बाद पिंड च आया और उत्थे जोड़ा अपने सिखां नूं जोड़ा उत्थे है सी उन्हां नूं मिल के ते कहण लगे। उन्होंने छपा छपू के 5-7 दिन रखा। तो फिर आस्ता आस्ता जोड़ा इधर उधर लोगों के कोई काम कुम करते रहना। तो जिंदगी जी गुजारता रहा। वो मालिक के आसरे ला के मेरी जिद बनी हुई है, मालिक ने बनाई हुई है। मैनू कौन पूछता इत्थे? वो भी आरजी तौर पर बेचारे जिन्हें रोटी पकाने का मालिया। लोगों की सेवा बथेरी करी है। जागलों का काम है तो ठीक है, जो नहीं काम तो जानते नहीं कौन है। तो 2005 के इत्थे एक जत्थे नाल जिहड़ा पाकिस्तान आए आ। पाकिस्तान आके साडी उन्हां नाल मुलाकात होई, सानूं बड़ी खुशी हुई। और फिर 2 दिन साडे घर खतरावां दे विच रह के गए। तो उस तो बाद जिहड़ा उन्हां नाल कोई राबता नहीं होया। गए थे 2005 च। अच्छा जी। उदों बाद नहीं गए, पहला नहीं गए। 2 रातां कट के आया। चक नंबर अपना 47 422 का देख के ही मुड़ गए थे। यानी 47 चक 2 रातां कट्टिया ने। उस तो बाद जड़ा नासर साहब ने असी आके राबता किया। इन्हें दफ्तर आए हैं तो इन्होंने फिर वीडियो एक साड़ी बना के तो भेजी उधर। तो राबता हो गया। तो उदों दे साडे नाल राबते च वीडियो कॉल भी हुंदी आ ते वॉयस कॉल भी हुंदी आ। सारे ठीक ठाक आ इत्थे। हाँ मैं क्या कदे लभदे फिरदे आ, सारा पिंड छाण मारिया। तुसीं पता नहीं कित्थे छुपे हुए सी। क्यों तुसीं किधरों माड़े हो गए? चलो मेहरबानी है। मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੂਰੀ ਕਰ ਲੋ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ भरपूर कोशिश कर रहे हैं। माइग्रेशन तो बाद सारी उम्र पहले दादा अपने बेटे प्रीतम खान की इंतजार करद अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। फिर जोड़े मेरे वालद दोनों जोड़े वो इंतजार करद वो भी इस दुनिया फानी तो पूछ कर गए। चाचा प्रीतम खान जोड़े इंडिया के इंतजार करते करते कि मैं पता नहीं कदों जावांगा पाकिस्तान ते अपने प्यारा कदों मिलांगा, अपने भतीजियां अपने भरावां। साडे खानदान दे विच हुण सिर्फ जिहड़े ना बजुर्ग जिहड़े साडे चाचा जी रह गए प्रीतम खान, ते इधरों सारे जिहड़े फुफी जो भी साडा है सी सारे फौत हो चुके हैं। और हुण सिर्फ चाचा जी असीं ये चाहते हैं कि असीं आखिरी उन्हां दी उम्र दे विच उन्हां दे बुढ़ापे दा सहारा बन सकीए, उन्हां दी खिदमत करके ते अल्लाह नूं राज़ी कर सकीए। सरकार में यह चाहना भी मैंने खुदा वीजा देन, घर बैठे का वीजा लग जाए। और उत्थे वो बड़ी मुश्किल दे विच आ क्योंकि तनहाई दे विच रहिंदे आ, और तनहाई बुढ़ापे दे विच रहना जिहड़ा बड़ा मुश्किल आ। पिंड वाले जिहड़े उन्हां नूं रोटी राटी ते दे दिंदे आ, लेकिन तनहाई दे विच बुढ़ापे दे विच रहना जिहड़ा मुश्किल आ। इस वास्ते हुण असीं जिहड़ा गौरमेंट पाकिस्तान और इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिहड़ा है ना वो साडे चाचा जी नूं वीज़ा दिता जाए और वो जिहड़ा साडे कोल आके जिहड़ा अपना आखिरी जिहड़ी उम्र आ वो गुजार सकण।